Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. Hello everyone, this is Abhishek. हमारे रिव्यू की क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रिव्यू कहाँ पे हमें भेजना है, अभी बहुत लोगों को डाउट है तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इनफैक्ट कहाँ पे भेजना है और कहाँ पे पोस्ट होता है आपके वर्क, जहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा कंपटीशन भी अभी चालू है तो वो कंपटीशन का जो मेल आईडी है वो भी चेंज हो चुका है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में, तो हमें टाइप करना पड़ेगा स्केच बुक बाय अभिषेक डॉट कॉम। तो ये बस सिंपली आपको टाइप करना है और इसके आगे निकल जाओ। अब इसके आगे निकलोगे आपको तो दिख जाएगा यहाँ पे ये आपका जो सबसे पहला जो ऑप्शन है स्केच बुक बाय अभिषेक एक्सप्रेस थिंग्स। तो ये हम लोग पहुँच गए अपने वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुझे आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ, जैसे कि कोर्सेस है, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जैसे देख रहे हो एक नया भी मैंने लॉन्च किया है पेंसिल स्केच का, जिसमें 1 मंथ का कोर्स है जो आप देख सकते हो। इसमें कई सारे कोर्सेज हैं, इसमें आपको प्लैटिनम 1 ईयर का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, अगर पोर्ट्रेट सीखना चाहते हैं तो वो भी है। और लेकिन अभी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को कि कहाँ पे आपको रिव्यू के लिए मेल करने हैं, कौन से मेल आईडी पे भेजना है। ब्लॉग में आपको टाइप करना था, ब्लॉग में हम गए, ब्लॉग में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट कंपटीशन ऑलरेडी हो चुका है, एक हमारा है क्राई बेबी अभी चल रहा है, देख रहे हो पोर्ट्रेट कंपटीशन क्राई बेबी 3, तो इस पर क्लिक करना है। और वेबसाइट आने के बाद ये कुछ रेफरेंसेज हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे, एक जो ये रेफरेंस जो हमें बनाना है, यही रेफरेंस ही बनाना है, इसी एंगल में बनाना है, तो ये एक्चुअली देख रहे हो। और इसके अलावा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन थे, तो जो चेंजेस हुए हैं और चेंजेस क्या हुए हैं ये आपको बता दूँ। स्टार्ट डेट जो हमारा 20 अक्टूबर को हुआ था, एंड डेट जो 7 नवंबर था वो हम मैंने चेंज कर दिया, अभी 14 हो गया है। रिजल्ट डेट भी चेंज हो चुका है, अभी हो चुका है 21 नवंबर को। मीडियम अभी भी लोगों को, कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि ग्रेफाइट पेंसिल से है या चारकोल पेंसिल से, तो यहाँ दोनों ही हैं। और यहाँ पर सबमिट कहाँ पर करना है आपको, तो ये है जो कंपटीशन का जो वर्क है उसको आपको करना है टेस्ट TEST स्केच बुक बाय अभिषेक @gmail.com। कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना नहीं जाएगा। तो रिव्यू पे भेजने के लिए आपको करना पड़ेगा रिव्यू स्केच बुक बाय अभिषेक @gmail.com। तो ये यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ मैंने जो भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है उसके लिए मैंने बना के भी रखा है पहले से, शेडिंग जो वगैरह जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ, तो ये देख सकते हैं 2 पार्ट में मैंने बनाया हुआ। तो ये बात हो गई अभी कॉम्पिटिशन्स के बारे में और रिव्यू के बारे में। अभी हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा जो डेली का रिव्यू है, तो सबसे पहले ऊपर का देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभिजीत ने कॉम्पिटिशन के लिए दिया है और कॉम्पिटिशन के वर्क अभी भी आ रहे हैं, तो जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ वो दोनों मेल आई डी पर जाइए और अपने शेयर कीजिए। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि आप लोग मेंशन किया कीजिए कि आप लोग किस लिए भेज रहे हैं, या आइदर आप कंपटीशन के लिए, जैसे यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं है, तो आप लोग एज जैसे यहाँ पे भेजा मेंशन ज़रूर कीजिए। और अभी रिव्यू नहीं करने वाला, ये सब जितने भी आर्टवर्क हैं ये सब मैं करूँगा जब फाइनल सबमिशन होने के बाद। और यहाँ पे जो मंडाला है ये रिव्यू का वर्क है, एक्सीलेंट बनाया है, जैसे फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन एग्जैक्टली होना चाहिए, जैसे कि टी है, टी में थोड़ा सा आप ये जो है आप यहाँ पे दे सकते हो, ये जो गैप है ना इसमें भी आप कुछ डिज़ाइन करके वैसा फील ला सकते हो। और एग्जैक्टली सेम यहाँ पे किया आपने, वेरी गुड। और डिज़ाइन प्रोसेस, और अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि आपका परफेक्ट जो डिज़ाइन है ना, एकदम सिमिलर नहीं है लेकिन जो एकदम हैंड फ्लो जो है ना परफेक्ट है एकदम, ये जैसे चाहिए ना ऐसे फंबल जैसे जैसे होता ना वो नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट स्ट्रोक है, वेरी गुड। डूडलिंग आपसे बहुत अच्छी होगी। और इसके अलावा है जो कि है कंपटीशन के बारे में सबसे ज़्यादा है लोगों ने, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, वेरी गुड, अच्छा किया है। यहाँ पे आपने स्केच अच्छा किया है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब आइज़ बनाते हो ना, आपकी स्केचिंग अच्छी है लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि आप देख रहे हो ना ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब यहाँ से मैं जब लेता हूँ ना ये, तो ये देखो अलाइनमेंट भी ठीक है लेकिन एक आँख जो है इतना बड़ा है। अगर आप साइज़ देखोगे ना तो ये साइज़ है और ये साइज़ बहुत छोटा है, ये आपने यहाँ तक होना चाहिए अगर इस आँख को आपने कंडीशन कंसिडर किया तो, क्योंकि मैं कहूँगा कि इस आइज़ को ही लीजिए
क्योंकि आईज और लिप्स वगैरह जो है आपने इस पे ही बनाए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाते तो यहाँ तक बनता था ये लिप्स और नोज। तो आपको ये जो है, आपको आई जो है आपको स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ये तो ये कुछ जो है और आई पल यहाँ तक होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ भी जाना चाहिए, ये ऐसे, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ी शेडिंग करनी पड़ेगी, शेडिंग कीजिए और उसके बाद आप दिखाइए। यहाँ पे अभी देख लेते हैं, पेंसिल आपने अच्छा किया है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं शेडिंग अच्छी है। फर की शेडिंग करो ना थोड़ा सा ना, ये बाहर की तरफ जो निकला ना, ये आपने जो डार्क लाइन कर दिया ना, यही डार्क लाइन नहीं करना चाहिए, ये जो है ना एकदम डार्क लाइन, या फर के थ्रू करो, जो आप फर बनाओगे ना ये ऐसे, इसी फर से ही आपको ऊपर से कंटिन्यू करते हुए इसी फर को ही थोड़ा डार्क करना है, और उससे ही आपको आउटपुट जनरेट करना है। ये जो डार्क है ना, ये ऐसे डार्क जो है ना लाइन नहीं आना चाहिए, उसको अवॉइड कीजिए। बाकी अच्छा बनाया आपने, गुड। चारकोल से बनाए, गुड। और जितना शार्पन करके बनाओगे ज़्यादा, ये जो है ना ये इतना तक एटलीस्ट जाना चाहिए। तो इसको आप ये ऐसे ले सकते हैं ये, और आपकी स्केचिंग अच्छी है, बनाया अच्छा है। बस थोड़े से जो जो फ्लोज है ना, फ्लोज जो कुछ ऐसे आएंगे ना, तो आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आपका जितने भी फ्लोज है ना, उसका आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट जितने भी आप जो कर्व लाइंस है ना, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो एक एक फ्लो जब जाएगा ना, तो आप अच्छा करोगे। गुड, वेरी नाइस। जिगर, जिगर का वर्क देख लेते हैं। और जो भी आपके डाउट है ना, वो आप इसमें टेक्स्ट में भी पूछ सकते हो। गुड, शेडिंग आपकी अच्छी है, और इनफैक्ट आपको पता भी है कि लाइट वगैरह के बारे में, तो ये अच्छी बात है। बस थोड़ा सा जो और है कि जो ये जो नोज़ है ना, बस यहाँ तक ही ख़त्म रखो और यहाँ से ख़त्म करो, इसको अंदर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से और ये से, तो अटैच करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। और लिप्स जो है तो ये कुछ ऐसे, तो थोड़ा सा डायनेमिक्स में इश्यूज आ रहे थे ऐसे, ये फोरहेड थोड़ा ऐसे होगा, और ये हेयर जब आएगा ना, तो हल्के हल्के ईयर्स तो दिखेंगे ना, वो दिखाओ, और बाकी आपने अच्छा बनाया, गुड। वैशाली, वाह, पेन से शेडिंग आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत मतलब बैलेंस्ड है। अगर आप पेन से इतना अच्छा शेडिंग करोगे, तो पेंसिल से कितना अच्छा करोगे, करते भी हो। इसमें थोड़ा सा ना डॉट ज़रूर दो, मिसिंग क्या लग रहा है ना इसमें, और इसमें मैं आपको कुछ भी ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको बताई होगी लेकिन आपने शायद ये नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पर देखो, एक तो ये स्पेकुलर आपको देना है, इससे आपको देखोगे ना तो ये हल्का सा जो है ना, इसमें पहले से इम्प्रूवमेंट इमीडिएट आ गया, और हल्के हल्के से ना आप डॉट दे सकते हो, और जितना हल्के से दोगे ना ऐसे ऐसे हल्के हल्के कहीं कहीं, तो वो और ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा, एकदम हल्के से कहीं कहीं पे, जैसे आईज हो गया यहाँ पे कहीं, तो ये हल्के हल्के से वाइट जेल पेन से आप दे सकते हो, 0.5 से दोगे तो भी चलेगा, और उसके बाद उसको हल्का सा ब्लेंड कर दो,
बस, और बनाए आपने बहुत अच्छे हैं, गुड। हर्षद गुड, सबमिशन अभी भी आ रहे हैं कंपटीशन के वर्क, और यहाँ पे स्वाति का भी वर्क है। ये मैंने पोर्ट्रेट बनाया था, मुझे याद है। इसमें ना आप देखो, एक स्ट्रेट लाइन दूंगा मैं, और स्ट्रेट लाइन लेने के बाद पहले तो ये देखो आपने एंगल कौन सा लिया है, वो डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे आई का जो है ना, आई का आपने ये अलाइनमेंट लिया है, और इसके बाद अगर प्लस देखोगे तो ये कुछ प्लस ऐसे आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम आपकी तरफ करते हैं, जिस अलाइनमेंट में आपने बनाया है, ये भी नहीं होगा, ये आपका परफेक्ट अलाइनमेंट है जो आपने बनाया है। अगर इस अलाइनमेंट पे अगर आप जाओगे तो देखो क्या इश्यूज आ रहे हैं इसमें। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। एक तो ये कि आई आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था ऐसे, और इसको फिनिश भी आपको ऐसे करना चाहिए। एक पहला हुआ, सेकंड जो है ये देख रहे हो आप, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। अगर ये आपने इस तरीके से बनाए तो ये भी आपको यहाँ ऐसे बनाना पड़ेगा, नोज सेंटर में आएगा ये ऐसे, फिर आपको यहाँ से लाना है, ये हो गया। अब लिप्स का देखो, लिप्स का भी अलाइनमेंट अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ ऐसे होगा। तो अभी आपको कैसे करना है, यहाँ ऐसे नीचे का लिप्स आपने अच्छा बनाया। अब इसमें आउटलाइन यहाँ से दे सकते हो, बाकी इस साइड का ठीक है, गुड। हेयर आपके अच्छे हैं, हेयर में भी आपने जो यहाँ पे बनाया ना, तो थोड़ा सा इधर का पोर्शन ऐसे बढ़ाइए, ये इधर थोड़ा कम रहेगा तो भी चलेगा, ये कुछ ऐसे आएगा, गुड। अनुराग का वर्क देखते हैं यहाँ पे, वन टाइम वन स्केच, गुड। आपने इंप्लीमेंट भी किया है, यहाँ पे हैंड भी बनाया, हैंड जिस तरीके से बनाया ना आपने, हो सकता है कि क्लोज बनाया है बहुत ज़्यादा कैमरे के, तो इसलिए बड़ा दिख रहा है। और ये जो थंब है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिंगर जो है ना ये लंबा होना चाहिए, जैसे जनरली क्या होता है अगर हम देखेंगे इसको, तो ये जो थंब है ना ये थोड़ा सा ये इतना लंबा तो होना चाहिए, ये भी अपने अकॉर्डिंग ऐसे इतना लंबा होगा, ये पीछे वाला चलेगा, ये तो पर्सपेक्टिव में गया हुआ। और ये इसका शेडो भी बनाइए तो परफेक्ट आएगा। जयंत का देख चुके हैं, प्रमोद का देख लेते हैं, प्रमोद का वर्क सबमिटेड है, और राधिका का वर्क हम लोगों ने चेक कर लिया था, और इसके अलावा मानसिंह ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया था, रूपम रूपम का चेक्ड है, इस्लामिक इंफॉर्मेशन फिदर हम लोगों ने चेक किया था, यस। यहाँ पे एक बार और मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो नए होंगे ना, तो जहाँ पे लाइट की इंफॉर्मेशन है ना, लाइट के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ कि जब आप लाइट देते हो ना, तो ये जो लाइट के अगर अपोजिट साइड है ना, तो ये कुछ शेडो इधर से आती है, ये ऐसे देख सकते हो, ये पीछे की तरफ है, और ये इसमें जो शेडो है थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें गैप मत दीजिए, ये अभी ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा शेडो में आएगा, यहाँ ये हल्का सा, और ये ऐसे एक तरफ ब्राइट रखो आप, ये अगर आपने डार्क रखा है तो दूसरा वाला इसको ब्राइट रखना है, दूसरे वाले को ब्राइट रखना है, जैसे ये हो गया, और यहाँ पे थोड़ा ब्राइट होगा ये ऐसे ब्राइट। ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिटी है आपको कम रखनी है, मैं बताने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, जैसे ये है इतना ब्राइट रहेगा, ऐसे लगना चाहिए कि इसमें लाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आई है, तो ये देख रहे हो दोनों में आपको फ़र्क पता चलेगा अभी। और इसमें और ज़्यादा अगर डार्क कर देते हो तो फिर
और ज़्यादा अलाइव हो जाएगा। ये इनफैक्ट आप लीफ में भी देख सकते हो ये। तो ये इसके अलावा अभी आप जितना भी आप करोगे डिटेल्स वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा। ये मैंने बताया था आपको कि पूरा का पूरा एक कैलेंडर लुक है, अच्छा बनाया आपने। बस यही बताया था आपको कि ये जो है अलाइनमेंट थोड़ा ऐसे आएगा, तो आई जो है ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, उसको आप करेक्ट कीजिए। हैंड जो है ये हैंड का साइज़ एटलीस्ट इतना होना चाहिए, फेस है ना जितना बड़ा उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये साइज़ जो है इससे भी थोड़ा सा बड़ा ऐसे होना चाहिए इतना बड़ा, और ये हैंड ऑलमोस्ट यहाँ तक ही फिनिश होना चाहिए, ये यहाँ तक बहुत इनफ है। और प्रशांत ने वर्क अच्छा किया है। यहाँ पे ना हल्के हल्के हेयर आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पे ना हल्के 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 विराट कोहली का देखा है ना जैसे, वो आप दे सकते हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी लाइटिंग के अकॉर्डिंग आपने दिया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पोर्शंस है ना जहाँ पे बड़े हैं और उसमें ना आपको देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टेक्सचर है या फिर आप जब लाइट आती है ना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती है ज़्यादा। तो इसके अलावा कुछ पीछे के जो जो वर्क है हम लोगों ने छोड़ दिए थे उसको भी हम देख लेते हैं। शाश्वत शाश्वत का भी वर्क देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है जो भी लाइंस है ना, जैसे आप देख रहे हो ये रिंकल्स लाइंस है ना, इसको थोड़ा सा आपको इसमें शेडिंग ऐड करना पड़ेगा, जैसे ये दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ना हल्के हल्के आप सेंटर में आप शेडिंग ऐसे ऐड कर सकते हो। ये देखो ऐसे आपको ऐड करना है, ये आपने किया तो इसमें ना आपको डेप्थ पता चलेगा ऐसे। और ये जो है ना ऐसे ऐड कर देने के बाद अब इसके बाद भी कुछ करना है आपको, और वो क्या करना है अभी बताते। ये बहुत शॉर्टकट है, जब भी आप रिंकल वाले जो फेसेस बनाते हैं ना, अब लाइट की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आ रही है ये जानना है। देखो अब इसमें क्या करना है कि एक वाइट जेल पेन ले सकते हो या फिर आप इरेजर भी ले सकते हो। इरेजर आप लोगे तो उसमें आपको लेना है, इरेजर लोगे तो वैसे ही ऑब्वियसली वाइट आएगा, तो वाइट की इंटेंसिटी जो है ना वो थोड़ी कम होनी चाहिए, ये इतनी। और ऊपर का वाला जो एरिया है ना, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे मुझे हल्के हल्के देना है कि ऐसे लगे कि लाइट की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ रही है, ये देखें तो ये आपको इमीडिएट इफ़ेक्ट जो है ना वो आपको दिखेगा। अभी अभी दिख रहा है ये वाला, अब ये नीचे का देखो ऊपर का देखो दोनों में फ़र्क पता चलेगा आपको। अभी देखो बहुत ही क्लीन था। कोमल का वर्क देख लेते हैं। आउटलाइन आपने डार्क किया है, डार्क को मेंटेन करना पड़ेगा। अब डार्क को मेंटेन कैसे करना पड़ेगा बता देता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको कि आउटलाइन जो है ना कभी भी ना शेडो ज़रूर जाता है। यहाँ पे आउटलाइन है पता ही नहीं चल रहा कौन सा आगे कौन सा पीछे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखो, इसमें आपको देखो ये जो है ना ऐसा लगना चाहिए कि ये शेडो के अंदर है। अभी इसमें तो दो चीज़ें ऐड करनी होती है, एक तो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब कि यहाँ पे ऐसे अभी हल्के हल्के जो शेडो है वहाँ बाहर तक गई है। अभी आपके पास रेफरेंस था फिर भी आपने गलत किया, गलत नहीं किया मतलब इम्प्रूव नहीं किया आपने। अब ये जो है जितना डेप्थ है उसके हिसाब से शेडो कुछ इधर आना चाहिए, तो वो आप दीजिए। और ये जो आउटलाइन है ना इसको आपको ब्लेंड करना है कुछ ऐसे, इतना अगर डार्क दिया ना तो इसको ब्लेंड कीजिए इसके अंदर, ये लाइन ही दिखना चाहिए ये कुछ ऐसे। अब इतना जो डार्क आपने दिया है नीचे का तो ऊपर भी मेंटेन करना पड़ेगा ऐसे ही, जैसे ये जैसे इसे लाइट की इन्फॉर्मेशन आई है तो वो आपको ऐसे कुछ डायनामिक्स जो है वो करने पड़ेंगे ऐड। ये हो गया, अब इसकी इंटेंसिटी कम करके अगर पेंसिल से भी करोगे तो इसको ये कुछ ऐसे ऐड करना पड़ेगा आपको।
तो जाके ये जो डायनामिक्स है ना वो फेस के जो होते हैं वो आएंगे और अच्छा लगेगा। ये पीछे ये तो कंप्लीट शेडो में ही जाएगा, तो देख रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। पहले जो था, अभी आप चाहोगे जैसा रेफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शेडो जो है यहाँ तक आ रहा है। तो ये शेडो जो है आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से डार्क करके फिर लाइट की तरफ जाओ। और ये तो ये यहाँ पे जो है शेडो वो ईयर्स भी और ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि शेडो में जाएगा ये। और ये वाला पोर्शन जो है देखो कि रेफरेंस में आपने जो लिया है वो कैसे कैसे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे बना सकते हैं। गुड ट्राई छाया कश्यप। हाँ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डॉट्स देने, जैसे अभी आप देख रहे हो ना ये, तो यहाँ पे जो आईज है ना तो यहाँ पे आपको कुछ हल्के हल्के डॉट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि स्पेकुलर हो गया और हल्के हल्के डॉट चाहिए यहाँ पे। तो हल्के हल्के डॉट दीजिएगा जब, तो आपको पता चलेगा कि उसमें स्पेकुलर जो होता है ना थोड़ा सा वेट लुक होता है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और ज़्यादा आपको जैसे रेफरेंस है ना, आप देखो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हो। देखो ये आपका है आपके पास, तो ये जो पोर्शन है और ये हल्का हल्का आगे की तरफ कैरी होगा ये लाइट के अकॉर्डिंग, और यहाँ तक भी शेडो गई है। तो ये आई को कवर करते हुए शेडो ये पोर्शन में यहाँ तक शेडो, और ज़रूरत पड़ेगी जैसे इसमें दिया है। तो रेफरेंस को आप ऑब्जर्व करो कि शेडो कहाँ कहाँ तक गया हुआ, उतना आपको अगर एकदम मैच करना चाहते हो तो ये कुछ ऐसे आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए ना आप कलर कौन सा लोगे, जो भी आपने ये कलर लिया ना ब्राउन, तो उसका आपका डार्क टोन जो होगा ना वो आपको लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे है और इंटेंसिटी आप हल्का करके, और ज़्यादा कुछ ऐसे फेस पे डायनामिक्स जो है ना वो आपको देना पड़ेगा ऐसे, ये कुछ ऐसे, तभी वो जो लुक है ना वो लुक कंप्लीट आप देख पाओगे यहाँ पे। ये हमेशा बताता हूँ कि आई बॉल जो है एकदम बिल्कुल वाइट नहीं दिखता है, उसको थोड़ा शेडो में लेके जाइए, ये कुछ ऐसे। तो इन दोनों में अभी फ़र्क पता चल जाएगा आपको, अब इसमें क्लीन दिख रहा है, उसमें आपको शेडो दिख रहा था, उसमें कंप्लीट जो डेप्थ होता है ना तो डेप्थ आपको नज़र आएगा उसमें। ये आपने बनाया था, मैंने बोला था कि आप शेडिंग कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे भी फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो बाद में बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलाइनमेंट जो है ना वो अलाइनमेंट गलत है। ये अलाइनमेंट किसके बारे में बात कर रहा था मैं, अगर ये आपने अलाइनमेंट लिया है तो आईब्रो इधर आना चाहिए था, ये आईब्रो होना चाहिए था, यहाँ पे नोज आना चाहिए था, यहाँ से लिप्स आनी चाहिए थी, और यहाँ पे ये ये। तो आपने ओवरऑल ठीक रखा है लेकिन आपने गलत कर दिया, इसमें फिर शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप जो आउटलाइन है ना आउटलाइन पे ध्यान दीजिए और पोर्ट्रेट आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी आप बेटर है कि आप आउटलाइन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पर्सपेक्टिव अच्छा है, आपने शेडिंग नहीं की थी तब। और ये जब भी रोड का भी जब जा रहा है ना तो ये जो आपने रोड बहुत नीचे तक ऐसे दिख रहा है, ये पर्सपेक्टिव में जब जा रहा है ना तो एक तो ये भी जाएगा ऐसे, ये आप इधर से लेके जा रहे हो, तो ये सब भी जो है ना ऐसे दिखेगा, तभी वो लगेगा कि ये हमारे पर्सपेक्टिव में, ये ऐसे एंगल की वजह से ये कुछ ऐसे दिखेगा, और जैसे जैसे हमारे पास आएगा फिर वो चेंज होगा। लाइट के अकॉर्डिंग क्या है, गुड वैभव,
ये भी हम लोगों ने किया था, मैंने आपको बोला था बैकग्राउंड को जो है ना वो आपको डार्क रखना है। राजू ये यहाँ पे आपको इसको कुछ ऐसे अंदर की तरफ लेके जाना, ये इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था, और जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो आप लोग करेक्ट करके आपको दिखाना भी है। ये कुछ ऐसे नहीं, दोनों आई के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नए लोग जो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप कर सकते हो। कॉम्पिटिशन वर्क सीधा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, इनफैक्ट अच्छा रहेगा दिखाने के लिए। और ये वाटर फ्लो अगर यहाँ पे ऐसे है ना तो रिंकल्स जो है ना, ऐसे रिंकल्स नहीं स्प्लैशेस हैं, स्प्लैशेस बाहर गिरते हुए वो दिखाइए थोड़ा। और ये वाटर कभी ना ऐसे नहीं होता है, वो कभी भी आएगा तो किसी भी एंगल में होगा ना तो ये सीधा ही दिखेगा, तो ये सीधा ही बनाएंगे इसको। ग्रेविटी, ग्रेविटी पे साइंस साइंस थोड़ी बहुत हमें आनी चाहिए। ये दोनों के बीच में अगर देखोगे ना, देखो ये हो गया हमारा आई का लाइन, ये हो गया आईब्रो, आईब्रो थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, ये हो गया, और ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन जो कि कंप्लीट स्ट्रेट नहीं है, अब स्ट्रेट हो गया। अब जो है आपको आई जो है ना यहाँ तक बनानी है ये ऐसे, और दोनों आई के बीच में ना एक आई का गैप, इतना बड़ा आई का साइज होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे आईब्रो ऐसे बना सकते हैं। ये अब ये जब बनेगा ना तो नोज़ आपका यहाँ पे बन गया, जैसा आप डायनामिक्स देना चाहते हैं वो भी बन गया। ये अब इसमें आपको आउटलाइन भी आ जाएगा, आउटलाइन आपने सही किया है, हल्की हल्की जो दाढ़ी है दाढ़ी वो दिखनी चाहिए यहाँ से, थोड़ा पेंसिल से इसको स्ट्रोक्स दीजिए जहाँ जहाँ पे आपको दिखाना है। तो ये सब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, शेडिंग जो है अब ये कान के अंदर जाएगा ना ये, तो ये ऐसे कवर होगा जैसे यहाँ पे दिखा है ये ऐसे। बाकी अभी शेडिंग पे उतना ध्यान मत दीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ आपके स्केचेस रह गए थे। ये आई का एंगल जो है ये ऐसे होना चाहिए और ये भी ऐसे होना चाहिए, एक तो ये ऐसे आएगा और दूसरा भी ये कुछ ऐसे आएगा, फिर आपके यहाँ पे आईब्रोज जो हैं यहाँ तक आएंगे, बाकी नोज और लिप्स ठीक हैं। आईज में इशू था, नीरज इतने सारे वक्त हो गया, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से हैं। और ये जो है ना आईबॉल को थोड़ा सा हल्का सा राउंड में ही रखना है और दोनों का सेम होना चाहिए साइज, और ये जो है इसको ब्लेंड कीजिए और ज़्यादा, यहाँ पे शेडो आएगा, जितना शेडो होगी जितना डार्कनेस होगी उतना और ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। ये आया है तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होगा, ये ऐसे आएगा, ये और अंदर जाएगा और ये आई जो होगा ना यहाँ तक आएगा, और इसके हेयर ऐसे निकलेगा। तो जो भी आप रेफरेंस लेते हो ना, रेफरेंस को पूरा जस्टिस करना है आपको, आईज अच्छे हैं लिप्स भी अच्छे बनाए, और ये जो आपने जो है ना इसको मेंटेन रखना है, ये जो सेंटर वाला जो है ना ये कुछ ऐसे यहाँ तक आएगा जैसे, ये इधर से आ गया ना, ये इधर से ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बाकी आई वगैरह अच्छी है आपको, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हैं उसको करेक्ट कीजिए, गुड। ओवरऑल फेस थोड़ा सा लंबा है, ये नीचे की तरफ आ गया है और ये सेंटर में, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नोज़ का भी थोड़ा सा, नोज़ ना यहाँ तक आना चाहिए, ये इसको जरा रेफरेंस को देखें, तो फिर आपको लिप्स यहाँ तक आएगा,
लिप्स आने के बाद ये ओवरऑल जो फेस है वो यहाँ तक आएगा, इसको आपको यहाँ तक ही कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, और जो कि हम लोग ख़त्म करते हैं कैरी मिनाती पे। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दी कि कॉम्पिटिशन्स कहाँ पे भेजने हैं, और इसके अलावा एक और था जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो आर्टवर्क है जो भी आप शेयर कर रहे हो वो आपको आप कहाँ पे देख सकते हो। तो आपको देखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे यूट्यूब होगा, जब भी आप वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा यूट्यूब। यूट्यूब में आपको दिखेगा कई सारे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपके जो आप रिव्यू के लिए भेजते हो तो रिव्यू के लिए वर्क आपको सब्सक्राइबर्स आर्टवर्क में मिलेगा, जहाँ पे जो भी एवरीडे के वर्क भेजते हैं। तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये सारे वर्क जो हैं यहाँ पे ऐसे दिखेंगे जो भी सब्सक्राइबर्स के आर्टवर्क हैं। और इसके अलावा कॉम्पिटिशन के वर्क देखना होगा तो भी आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब में जाने के बाद आपको दिखेगा कॉम्पिटिशन्स, तो यहाँ पे जो रिसेंट का जो कॉम्पिटिशन है ना वहाँ पे आपको दिख जाएगा उनके आर्टवर्क, जैसे यहाँ पे कंटेस्टेंट, और यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे भी मैंने मेल मेंशन किया, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये तो इंडिविजुअल वर्क है सबका। और यहाँ पे देखो सबमिट योर आर्टवर्क ऑन टेस्ट स्केच बुक बाय अभिषेक @gmail.com, कंटेस्टेंट under 14 है, तो सिर्फ under 14 के यहाँ पे हैं, और इसके अलावा कंटेस्टेंट above 14, तो ये सारे वर्क जो हैं ये above 14 के हैं। तो ये जितने भी वर्क हैं आप देखिए, और अपने वर्क अगर मेंशन नहीं हो तो मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। तो अभी तक के लिए इतने, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, और एडवांस में आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो मिलते हैं दिवाली के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।